नमस्कार दोस्तों, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक नया टॉपिक रहेगा परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होती है, जैसे प्रति प्लस सत, क्या है प्रति प्लस सत। प्रति प्लस सत का मतलब होता है प्रत्येक प्रत्येक सौ पर, प्रत्येक सौ पर। जैसे जैसे 10%, 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब 100 पर कितना है 10। यहाँ पे प्रत्येक 100 पर, मतलब प्रत्येक 100 पर वो कितना है, प्रत्येक 100 पर। जैसे मैं इस संख्या को इस प्रकार लिख दिया 20/200, तो ये क्या है 200 पर क्या है 20 है, लेकिन प्रत्येक 100 पर नहीं है। तो अलग अलग लिखेंगे तो इसे किस रूप में लिखेंगे। जैसे मैंने इसको लिखा, इस संख्या को मैंने इस प्रकार लिखा 20/100+100। तो ये क्या है कि हर 100 पर कितना है 10, इस 100 पर कितना है 10। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रत्येक 100 पर वो कितना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी चीनी का भाव पूछ रहे हो आप, चीनी का आपने भाव पूछा तो आपको क्या बोलेगा कि चीनी क्या है 40 रुपए प्रति केजी, क्या है प्रति केजी। तो यहाँ पे जो प्रति केजी क्या बोल रहा है कि प्रत्येक किलो पर, प्रत्येक का मतलब होता है कि एक, यहाँ पे प्रत्येक 100 पर बोल रहा है। यहाँ पे क्या है प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर ये वस्तु कितनी है 10। यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रत्येक किलो पर, तो इसे हम लिख सकते हैं 40 रुपए/1 kg, मतलब एक किलो का कितना रुपए है 40 रुपए, कितना रुपए है 40। यहाँ पे क्या बोलता है कि प्रत्येक 100 पर वो वस्तु कितनी है, तो हम उसे किस रूप में लिख देते हैं 40 रुपए/kg लिख देते हैं। अब हम परसेंटेज को किस रूप में लिखेंगे, 10% क्या लिख दिया इसको, प्रतिशत। यहाँ पे एक ये पूरा क्या है, एक संख्या हो गई 40 रुपए/kg, और यहाँ पे क्या आ गया 10%। अब इस प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है 10%, ठीक। तो यहाँ पे आपको प्रतिशत का मतलब समझ में आ गया, प्रतिशत क्या होता है प्रत्येक 100 पर कितना है, ठीक। अब देखो प्रतिशत कैसे लिखते हैं, 100 पर हो या 100 में से हो, 100 पर हो या 100 में से। तो जिस प्रकार 10/100, 20% को कैसे लिखोगे आप 20/100। इसी प्रकार जैसे 30% को क्या लिखोगे आप 30/100। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये वस्तु क्या है 100 में से कितनी है 10, ये वस्तु कितनी, ये संख्या कितनी है 100 में से 20, ये संख्या कितनी है 100 में से 30। तो आप ये देखोगे कि ये जो संख्या हमने लिखी, ये कंप्लीट संख्या क्या है, एक भिन्न है, क्या है एक भिन्न है, फ्रैक्शन। इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे इसको, फ्रैक्शन। तो इस प्रतिशत को हम किस के रूप में लिख रहे हैं, भिन्न के रूप में। तो अब क्या करेंगे, हम प्रतिशत को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पहले भिन्न के बारे में जानेंगे। और भिन्न एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में यूज आता है, और प्रतिशत भी क्या है हर चैप्टर में काम आता है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, भिन्न। आप देखो भिन्न, भिन्न को हम जैसे मैंने लिखा 30/100, इस बटा के रूप में जो संख्या लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, भिन्न। इसमें जैसे उपला भाग होता है इसको बोलते हैं हम अंश, जैसे नीचे भाग होता है इसको बोलते हैं हम हर, इंग्लिश में बोलते हैं इसे नोमिनेटर।
और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, अब आपने देखा यहां पे क्या है, जो नीचे लिखी हुई संख्या को क्या बोल रहे हैं हर, ऊपर लिखी हुई संख्या को क्या बोलते हैं हम अंश। जो नीचे लिखी हुई संख्या होती है ये क्या दर्शाता है कि किसी वस्तु के कुल कितने भाग हैं, कुल कितने भाग हैं, और उसमें से कुल भाग में से या पर कितना मान है उसे लिखते हम अंश में। जैसे जैसे कोई व्यक्ति इस प्रकार लिखता है कि 2/5, मैं इस पर्सन को इस प्रकार बना देता हूं, 1 को ए ए ए, बी को अपने 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 का 2/5 है, मतलब बी क्या है ए का 2/5 है, मतलब तो यहां पे मान लो ए का मान कितना है 20 है, कितना है 20 है। तो यहां पे आप देखोगे कि ए का कितना है, ए का हम 5 भाग करें उसका 2 भाग कौन है बी, तो मैं इस बी के क्या करता हूं 5 भाग, तो मैं बी के अंदर क्या किया, इसमें 20 के अंदर 5 का भाग दिया कितना आया 4, तो उसके 1 भाग का मान कितना रहा है 4, तो 2 भाग का मान कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे बी का मान कितना आ गया 8। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो नीचे लिखी हुई संख्या है वो क्या कह रही है कि उस संख्या के कुल कितने भाग होंगे 5, और उस भाग में से 2 भाग किसके हैं बी। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हर क्या कहता है कि जो भी कोई वस्तु या संख्या हो उसके क्या करता है भागों में बांटता है, और उसमें से कितने भाग हैं उसको क्या करता है ऊपर लिखता है। जैसे हम इनको एक एग्जांपल के थ्रू इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति था और उसने एक सेब लेके आया और उसके कितने बच्चे थे 2, कुल 2 बच्चे थे। अब बताओ वो एक सेब को किस प्रकार से बांटेगा, तो आप बताओ उनको बराबर बराबर बांटना, तो इसको कितना देगा 1/2 और इसको कितना देगा 1/2। तो यहाँ पे देखो कि ये जो नीचे लिखी हुई संख्या को बोलते हैं हम हर, और ऊपर लिखी हुई संख्या को क्या बोलते हैं हम अंश। तो जो नीचे लिखी हुई संख्या है ये क्या दर्शा रही है कि उस सेब के कुल कितने भाग किए गए 2, उस भाग में से 1 भाग किसको दिया गया 1 को, तो 1 भाग हम कहां लिखे ऊपर, कहां लिख दिए ऊपर, वो किसके स्थान पर अंश के स्थान पर, जो उसके कुल भाग किए गए उसको कहां लिखे हमने नीचे, तो कोई भी वस्तु होगी उसके जितने भाग करेंगे हम उसको क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, और उसमें से जितने भाग हम यूज कर रहे हैं किसी भी प्रकार से उसको लिखेंगे हम ऊपर। इसी प्रकार अगर इसके 3 बच्चे होते या इस सेव को क्या करता 3 बच्चे होते, तो वो 3 बच्चों को किस रूप में बांटता, तो यहाँ पे क्या करता इसने 1/3 देता इसको, इसको कितना देता 1/3, इसको कितना देता 1/3। एक वस्तु थी सेव था, उसके क्या किया उसने 3 बराबर के टुकड़े कर दिए, तो हम उस वस्तु को किस प्रकार लिखेंगे जितने टुकड़े हैं उसको क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, तो सबके नीचे लिख दिया। अब उसमें से कुल कितने भाग दिए गए, एक को एक ही दिया, बी को कितना दिया 1 और सी को कितना दिया 1, तो तीनों को एक एक दे दिया, कुल कितने भाग हो गए 3, तो तीनों से वापस एक कंप्लीट सेव बन जाएगा। तो आपको समझ में आया कि एक के पास कितना सेव आया 1/3, बी को कितना मिला 1/3, सी को कितना मिला 1/3। लेकिन इसका लिखने का तरीका क्या है कि उस वस्तु के जितने भाग करते हैं या जिस कोई संख्या है उसके जितने भाग करते हैं उसको लिखते हैं हम नीचे, और उसमें से कितने भाग हम यूज कर रहे हैं उसको लिखते हैं हम ऊपर। इसी प्रकार अगर इसके 4 बच्चे होते और सेव एक ही होता, जैसे ए बी सी और डी, समझने की बात करना, समझने की कोशिश करना, जैसे एक व्यक्ति को बराबर बराबर बांटने हैं, एक सेव है 4 बच्चे हैं, चारों को बराबर बांटेगा, तो
उससे सेब के कुल कितने टुकड़े करे, अचारों का आ जाए तो चार टुकड़ा करेगा, तो चार को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक, अब उसमें से एक टुकड़ा उठा के किसको दे दिया, ए को, तो एक रख दो, फिर बी को दे दिया एक, एक सी को दे दिया, एक डी को दे दिया, तो कंप्लीट सेब बांट दिया उसने। तो हम पूछे कि ए को कितना भाग मिला, तो हम कहेंगे उस एक सेब का 1/4, बी को कितना मिला 1/4, सी को 1/4, डी को 1/4। हम इन सभी चीजों को इस प्रकार लिख दें, आके कोई वस्तु एक है और उसको दो व्यक्तियों में बांट रहे हैं, तो हम लिखते हैं 1/2, 1/2। अगर तीन व्यक्तियों में बांट रहे हैं तो 1/3, 1/3, 1/3। अगर चार व्यक्तियों में बांट रहे हैं एक ही वस्तु को और समान बांट रहे हैं, अगर पांच व्यक्तियों को बांटे तो इस प्रकार। अब एक ही वस्तु को पांच व्यक्तियों में बांट रहा है तो पहले क्या करेंगे, उसके पांच भाग बनाएंगे और हर को सम्मान दे रहे हैं, तो 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु है और हम उसे क्या करते हैं, 100 व्यक्तियों के अंदर बांटते हैं, तो उसे किस रूप में लिखेंगे, 1/100, 1/100, 1/100, और इस प्रकार 100 व्यक्तियों को बांट देते हैं। कितने व्यक्तियों को बांट देते हैं, 100 व्यक्तियों को बांट देते हैं, तो सबके पास कितना गया, 100 में से एक, 100 में से एक। अगर यहाँ पे कितने व्यक्ति होते, 10, और कुल भाग उस वस्तु के कितने होते, उस संख्या या उस वस्तु के कुल भाग कितने होते, 100 ही होते, तो हम उसे समान रूप से बांटते, तो मैं किस रूप में लिखता, 10/100, 10/100, 10/100, और इसी प्रकार लास्ट 10 तक लिखते हैं हम। यहां पे कितनी बार लिखा, यहां पे लिख दूं 100 बार, और यहां पे कितनी बार, 10 बार। ठीक, तो हर व्यक्ति को 100 में से कितना मिल रहा है, 10, 10, 10, 10। अगर उसी वस्तु के 100 भाग होते, मैं पांच व्यक्तियों में बांटता, और तो जैसे 20/100 सम्मान बांट रहे हैं, 20/100, 20/100, और 20/100, तो पांच व्यक्तियों को बांट दिया हमने, तो कितने दाए एक व्यक्ति को, 20, 20, 20, 20, तो उसको किस रूप में लिखेंगे कि 20/100, 20/100, 20/100, 20/100, सभी को हमने क्या कर दिया, सम्मान रूप से बांट दिया। तो उसका लिखने का तरीका क्या है, मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं कि कोई वस्तु थी और उसके कुल भाग 100 थे, और उसमें से एक को 20 दिया गया, बी को 20 दिया गया, सी को 20 दिया गया, डी को 20 दिया गया, और ई को 20 दिया गया। अगर मैं इन पांच व्यक्तियों को असमान रूप से बांटू और कुल वस्तु मेरे पास कितनी है, 100 ही है, तो मैं उसे लिखूंगा जैसे 30/100, 35/100, 25/100, कितना हो गया, 40, 20, 60, 60, 30, 90। अब मैं इनको कम कर देता हूं, इस प्रकार से, तो ए को कितना मिला, 30/100, बी को कितना मिला, 35/100, सी को कितना मिला, 25/100, और डी को कितना मिला, 7/100, और ई को कितना मिला, 3/100। तो ये क्या है कि 100 में से कितना मिला, 30, इसको कितना मिला, 35, इसको कितना मिला, 25, इसको कितना मिला, 7, और इसको मिला 30। अब आपको पूछे परसेंटेज इनके बारे में, तो आप बताओ कि इसको कितना प्रतिशत मिला, तो आपको पहले से पता है कि प्रतिशत का मतलब है कि प्रत्येक 100 में से उसे कितना मिला, तो हर 100 में से उसे कितना मिला, तो इसके पास 100 ही है, तो 100 में से मिल रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 30%। कितना आएगा, 30%। इसको कितना मिला, 35%, इसको कितना मिला, 25%,
अब इसे हम प्रतिशत के रूप में लिख रहे हैं, इसको कितना मिला 7%, इसको कितना मिला 3%, सबको क्या मिला इसको 30, 35, 25, 7 और 3%। अब इसको क्या बोल दिया हम, प्रतिशत के रूप में बोल दिया। ये पहले क्या थी, संख्या भिन्न के रूप में लिखी हुई थी कि एक वस्तु थी और उसके हमने कुल कितने भाग कर दिए, 100 भाग कर दिए, और ए को हमने 30 दे दिया, बी को 35 दे दिया, सी को 25 दे दिया, और डी को 7 और ई को 3 दे दिया। तो हम उस संख्या को किस रूप में लिखेंगे, भिन्न के अंदर 30/100, 35/100, 25/100, 7/100 और 3/100। अब आपको कहेगी इन्हें प्रतिशत के रूप में लिखो, तो हमें पता है कि वो प्रत्येक वस्तु 100 में से दी गई है, तो इसे लिखेंगे हम 30%, 35%, 25%, 7% और 3%। तो आपको प्रतिशत यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब ये बताओ इन सभी को कितने का प्रतिशत मिला, कितना प्रतिशत मिला, तो आप कहोगे कि इन सभी को 20% मिला। अब आप कहोगे इनको कितना प्रतिशत मिला, तो आप कहोगे कि इन सभी को 10-10% मिला, और इनको कितना मिला 1%। क्या है कि 100 में से 1 मिल रहा है तो 1%, 100 में से 10 मिल रहा है 10%, 100 में से 20 मिल रहा है तो 20%। ठीक, अब आपको पूछे अब यहां पे देखो, आपको पूछे कि एक को, मतलब एक को ही वस्तु थी जिसके हमने कुल भाग कितने के, 2, 2 में से एक को कितना मिला 1 भाग, और उसे हम गणित के अंदर लिखते हैं 1/2। आपको पूछे कि एक को कितना प्रतिशत मिला, तो एक को कितना प्रतिशत मिला, तो आप इसको किस रूप में हल करोगे, पहले तो लिखोगे 1/2। तो आप क्या करने की कोशिश करोगे कि जो नीचे लिखा हुआ हर है इसको क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को 100 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 100 बनाने के लिए मैं इसे कितने से गुना करूं, तो आपको पता है इसे मैं किससे गुना करूंगा, 50 से। 2 को मैंने 50 से गुना किया, कितना आया 100, लेकिन इसके मान में तो परिवर्तन हो रहा है, तो मैं फिर जितना भाग नीचे गुना किया उतना ही भाग मैं क्या करूंगा, ऊपर गुणा करूंगा, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे मान क्या आ गया हमारा, 50/100। अब आप बताओगे इसको कितना प्रतिशत मिला, तो अब आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसको 50% मिला। जब उस वस्तु के 2 भाग थे, हम उसको कुल कितने भाग कर दिए, 100 भाग कर दिए, 100 भाग करेंगे तो इसको कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। ये क्या हुआ, भिन्न को किस रूप में बदल दिया हमने, प्रतिशत के रूप में बदल दिया। अगर आपको कहे कि एक को यहाँ पे कितना मिल रहा है 1/3, इसे आप परसेंट में बताओ, तो हम किस रूप में बताएंगे, जैसे कोई संख्या है 1/3 गुणा, तो मैं इसे किससे गुणा करूं कि ये कितना आ जाए, 100 आ जाए, तो आपको बता दूं यहाँ पे किससे गुणा करेंगे हम, 100/3 से। कितने से गुणा करेंगे, 100/3 से, और इसी संख्या से मैं ऊपर गुणा करूंगा 100/3 से, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, तो मैं इसे काट देता हूं और यहां पे लिख देता हूं ऊपर, 1 को गुणा करेंगे तो 100/3/100। ठीक, अब 100 में से कितनी है, 100/3, तो इसे प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 100/3%। अगर आप 3 का भाग देके लिखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 33.1%। कितना आता है, 33.1%। यहाँ पे क्या था कि कोई संख्या भिन्न में लिखी हुई है और उसका प्रतिशत निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो हर वाली संख्या होती है उसको क्या करते हैं, हमें 100 में बदलते हैं। जो मान ऊपर आएगा वो क्या होता है, उस संख्या का परसेंट होता है। जैसे 1/4 को, तो 1/4 को हम किस रूप में लिखेंगे, 1/4, तो मैं किस से गुणा करूं, तो यहाँ पे मेरे को पता है कि 25 से, तो 25 से गुणा करूंगा, तो यहाँ पे कितना आया, 25/100, तो इसका कितना परसेंट हो गया, 25%। ये तो क्या, किस रूप में चेंज कर रहे थे हम, कि उसके हर को 100 बनाकर। अब हम इसे दूसरे तरीके से हल करते हैं, जैसे वापस इसी पेज पे आओ, तो यहां पे देखो कि इसे हम प्रतिशत में चेंज करते हैं, तो हम यहां पे डायरेक्ट क्या किया, अगर 100 में से 30 है तो कितना परसेंट है, 30%। लेकिन हम इस संख्या को इस रूप में हल कर दें,
आखिर 30/100 कोई संख्या है और इसे प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम इसे किससे गुणा करेंगे? 100 गुणा प्रतिशत, मतलब 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 30%। यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रतिशत का मतलब क्या है, आपको बता दो, हम किससे गुणा किया? 100%। तो यहाँ पे 100 गुणा प्रतिशत का मतलब 1/100, और 100 के अंदर 100 का भाग दूंगा तो इसका मान कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे मान कितना आ रहा है? 1। तो मैं इस संख्या को किससे गुणा किया? 1 से गुणा किया, और 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये थी, इस प्रकार संख्या थी 30/100 और गुणा 1। अब मैं 1 के किस स्थान पर क्या लिख सकता हूँ? 100%। क्या लिख सकता हूँ? 100%। तो यहाँ पे लिखूंगा 30/100 गुणा 100%। तो 100 से 100 कैंसिल होने पर क्या आ गया वापस? 30%। तो हम इस प्रकार के जो सवाल होते हैं भिन्न के अंदर, उनको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ही 100% से गुणा करेंगे। आप क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे और परसेंट का चिन्ह लगा दोगे। क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे और परसेंट का चिन्ह लगा दोगे। जैसे इस संख्या को करते हैं, जैसे अगला पेज ले लेते हैं, यहाँ पे कोई संख्या है 20/100 है, इसे प्रतिशत में चेंज करो, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? 100 गुणा परसेंट का चिन्ह, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 20%। लेकिन इस प्रकार की कोई संख्या होती है जिनके बटा में 100 है, तो उसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जिनके बटा में 100 है उनको हम डायरेक्ट ही लिखेंगे, गुणा नहीं करेंगे। वापस उसी पेज पे आते हैं, इस पर यहाँ पे देखो कि जैसे 1/2 था, मैंने अभी इसको क्या किया था? प्रतिशत में चेंज किया था। तो मैं इसको प्रतिशत में चेंज करता हूँ, जैसे 1/2 गुणा, तो मैं प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या किया था? ऊपर भी 50 से गुणा किया था, नीचे भी। अब यह एक भिन्न है, अब मैं इस भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करता हूँ? 100% से गुणा करता हूँ। अब आप देखोगे कि 50 को मैं 50 से काट रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? 50 को 50 से काट रहा हूँ, 2 का भाग इसमें दे रहा हूँ, कितना आ रहा है? 50। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारा? 50%। तो आप यहाँ पे देखियो, आपने यहाँ पे देखा 50 से 50 कट रहा है, मतलब इसका कोई महत्व ही नहीं है, तो हम इसे इस रूप में क्यों लिखे? 50/50 के रूप में हम क्यों लिखे? हम डायरेक्ट ही इसको इस रूप में लिख दें, 1/2 गुणा 100%। तो यहाँ पे 2 का भाग दिया, कितना आया? 50%। 1/3 को करेंगे, अब हम इनको डायरेक्ट गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 33 सही, 1/3%। यहाँ पे देखो 1/4 को 100 से गुणा करो और प्रतिशत का चिन्ह लगाओ, 4 का भाग दिया, कितनी बार गया? 25 बार। तो यहाँ पे आ गया 25%। अब आपको समझाता हूं कि कोई भी भिन्न हो, कोई भी भिन्न में संख्या हो तो उसे प्रतिशत में बदलते हैं तब 100% से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100%। जैसे कोई संख्या है 2/5, अभी से मैं प्रतिशत में चेंज करूंगा तो इसे क्या करूंगा? 100% से, ठीक। तो 5 का भाग कितनी बार जा रहा है? 20 बार। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 40%। कितना आ गया? 40%। एक मिनट,
अब हम क्या करेंगे, भिन्न को किस रूप में लिखेंगे, प्रतिशत के रूप में लिखेंगे, और उनके क्या करेंगे, हमें मान को याद करना है। वो मान हमारे हर क्वेश्चन के अंदर काम आएगा, और ये इस प्रकार के जो प्रतिशत है वो हर प्रश्न, मतलब इसकी चार प्रश्नावली जिनमें तो ये प्रतिशत काम आएगा, खुद प्रतिशत में, साधारण ब्याज में, चक्रवर्ती ब्याज में, लाभ हानि में, और एक बट्टा में। वैसे बीच बीच में किसी न किसी के साथ जोड़ देते हैं कि इसका 5% निकालो, इसका 10% निकालो। तो प्रतिशत हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इनमें जो याद करने की चीज़ हैं वो लिखा देता हूँ। जैसे कोई संख्या 1/2 है, ये क्या है, एक भिन्न है। तो यहाँ पे लिखो, जैसे कोई संख्या है, यहाँ पे लिखते हैं एक भिन्न है, और उसको किस रूप में बदल रहे हैं, प्रतिशत में। जैसे कोई संख्या 1/2 है, इसको क्या करेंगे, हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो मैंने अभी बताया था कि पहले बताया था कि प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे 1/2 को 100 से गुणा करेंगे और उसके क्या लगाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह, या डायरेक्ट बोल सकते हैं 100% से। 2 का भाग दिया, इसमें कितनी बार गया, 50 बार। तो इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे अब आगे, 50%। इसी प्रकार 1/3, तो 1/3 को प्रतिशत में चेंज करोगे, क्या करोगे, 1/3 को 100 से गुणा करोगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाओगे। अब 100 के अंदर 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 33 बार। शेषफल कितना बच गया, 1, और नीचे क्या लिखेंगे, 3। अब इस प्रकार संख्या को कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, 100, 100 के अंदर क्या करते हैं, हम 3 का भाग देते हैं। किसका भाग दे रहे हैं, 3 का। 3 का भाग देने पर कितनी बार गया, 3 बार। 3 × 3, 3 × 3 कितना हो गया, 9। 3 × 9 शेषफल कितना आ गया, 1, 0 उतार लिया। अब 2 कितनी बार गया, 3 बार, तो कितना आ गया, 3 × 9 शेषफल कितना आ गया, 1। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो शेषफल क्या बच गया, 1। तो शेषफल को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और नीचे किसको लिखेंगे, जो भाजक है उसको लिखेंगे। हम इस रूप में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार से लिख रहे हैं किसी संख्या को। 100 के अंदर किसका भाग देने, 3 का, तो उसमें 33 बार तो चला गया, उसके बाद में कितना बच रहा है, 1। तो अभी 1 में और भाग देना है किसका, 3 का। तो इस संख्या को इस रूप में लिखते हैं, 33 सही 1/3, मतलब 33 में तो कंप्लीट चला गया है, 33 बार तो कंप्लीट चला गया, और अभी भी एक संख्या बच रही जिसमें किसका भाग देना है, हमें 3 का, तो उसे लिखेंगे 33 सही 1/3%। एक बटा चार, अब 1/4 को प्रतिशत में चेंज करते हैं, 1/4 × 100%, इसे लिखेंगे 25%। आपको ये मान याद रखने हैं। 1/5, तो 1/5 को प्रतिशत में चेंज करो, तो यहां पे आएगा 20%। 1/6, 1/6 को प्रतिशत में चेंज करेंगे, 1/6 × 100। अब क्या करेंगे, 1/6 का भाग किसमें देंगे, 100 के अंदर, तो कितनी बार गया, 1 बार। शेषफल कितना बच गया, 4, 0 उतारेंगे, कितनी बार गया, 6×6 = 36, शेषफल कितना बच गया, 4। तो अब 4 को किस रूप में लिखोगे, 16 सही 4/6। लेकिन यहाँ पे देखो कि 2 का भाग 4 में भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा है, तो इस संख्या को मैं इस रूप में लिख दूं, कितनी बार गया यहाँ पे, 2 बार, और यहाँ पे कितनी बार गया, 3 बार, तो 2/3। यहाँ पे 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार, यहाँ पे कितनी बार गया, 3 बार, तो इस संख्या को लिख सकते हैं हम 16 सही 2/3%। इससे अगली संख्या, एक बटा सात।
अब 1/7 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाओगे। किसी भी भिन्न को आप प्रतिशत में चेंज करोगे तो क्या करोगे, उसे 100 से गुणा करोगे और उसके प्रतिशत का चिन्ह लगा दोगे। 7 का भाग दिया कितनी बार गया, 1 बार, फिर 4 बार, कितना बच गया, 3 बचा, 0 उतार लिया, फिर कितना बचा, 2। तो 2 को ऊपर लिख दो, नीचे 7। एक बटा आठ, तो 1/8 को किससे गुणा करोगे, 100% से। तो यहां पे 1 बार गया, 2 बच गया, 0 उतार लिया, कितनी बार गया, 2 बार गया, कितना बच गया, 4। तो 4 बच गया, तो हम लिखेंगे उसे 4/8, तो ऊपर भी 4 का भाग जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो यहां पे कितनी बार गया, 1 बार, और यहां पे कितनी बार गया, 2 बार। तो इस संख्या को लिखेंगे 12 सही 1/2%। एक बटा नौ, तो 1/9 को प्रतिशत में चेंज करो तो यहां पे क्या आएगा, 11 सही 1/9%। अगला 9वां 1/10, तो 1/10 को प्रतिशत में चेंज करो तो 0 का भाग दिया, यहां पे क्या आया, 10%। 1/11, तो 1/11 को परसेंट में चेंज किया तो क्या करेंगे, हम 100% से गुणा करेंगे, तो भाग देने पर क्या आया, 9 सही 1/11%। इससे अगला 1/12, अब 1/12 को प्रतिशत में चेंज करोगे, 12 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 12 × 96, कितनी बार गया, 8 बार, शेषफल कितना बच गया, 4। तो 4 का भाग ऊपर नीचे जा रहा है, कितनी बार जाता है, 1/3 लिख देंगे। एक बटा 13, क्या 1/13, 1/13 को परसेंट में चेंज करो तो 13 का भाग दिया कितनी बार गया, 13 × 65, 23 × 78, 13 × 7 91। आपको कम से कम 30 तक की, 20 तक की टेबल तो याद होनी चाहिए आपको, कितनी तक की, 20 तक की। और कितना शेषफल बच गया, 9। एक बटा 14, चौदह पंजो 70, 14 × 84, 14 × 97 कितना होता है, 98, 14 × 97 98, कितना बच गया, 2। तो 2 बच गया, तो उसे किस रूप में लिखेंगे, शेषफल कितना बच रहा है, 2, भाग किसका दे रहे हैं, 14 का, तो यहां पे कितनी बार गया, 2 का भाग ऊपर भी जा रहा है नीचे भी, तो इसे लिखेंगे 1/7, तो यहां पे आ जाएगा 7 सही 1/7%। इससे अगला है 1/15, कितना 1/15, 1/15 को परसेंट में चेंज करो तो यहां पे परसेंट में क्या आएगा, 15 का भाग दिया, 15 × 90, तो शेषफल कितना बच रहा है, 10, नीचे कितना बच रहा है, किसका भाग देंगे, 15 का, 5 का भाग ऊपर भी जा रहा है नीचे भी, यहां पे कितनी बार गया, 2 बार, और यहां पे कितनी बार गया, 3 बार, तो इसे लिखेंगे 6 सही 2/3। एक बटा 16, तो 1/16 को प्रतिशत में चेंज करो तो यहां पे चेंज करेंगे तो क्या होगा, 16 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, 16 × 85 16 × 96 96, शेषफल कितना बच रहा है, 4, तो नीचे कितना है, 16, तो 4 का भाग ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो ऊपर कितना बचा, 1, और नीचे कितना बच गया, 4। एक बटा 17,
17 का भाग दिया 17 5 85, और शेष फल कितना 15 बटा 17 19, 1 बटा 18। 1 बटा 18 का मतलब होता है प्रतिशत, 18 5 90, कितना शेष फल बच गया 10, 10 ऊपर है नीचे 18, 2 का भाग ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो यहाँ पे कितनी बार गया 5 बार, और नीचे कितना बच गया 9, तो यहाँ पे परसेंट आ गया हमारा 5 सही 5 बटा 9। 1 बटा 19, 19 5 95, शेष फल कितना बच रहा है 5 बटा 19%। जिन संख्या में कटती नहीं है ऊपर नीचे तो उनको वैसे ही वैसे रख देते हैं, जिनमें कटती है उनको, जैसे यहाँ पे आता है 10 बटा 18, तो इसमें ऊपर भी 2 का भाग जा रहा है नीचे भी, तो हम उसे काट कर लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने प्रतिशत का चिन्ह क्या है नहीं लगाया, तो आप लगा लेना, जिसमें मैं भूल गया है भूल गया, तो उसमें आप क्या करोगे परसेंट का चिन्ह लगा दोगे, तो कितनी बार जा रहा है 5%। 1 बटा 21, 21 के को क्या करेंगे हम प्रतिशत में चेंज करेंगे 1 बटा 21 को, 21 चौक 84, कितना बच गया शेष 16 16 बटा 21%। 1 बटा 22, तो इसे लिखेंगे 1/22 × 100%, तो 22 चौक 88, शेष फल कितना बच गया 12, और यहाँ पे कितना है 22, तो 2 का भाग ऊपर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 सही 6/11%। एक बटा 23, अब 1/23 को प्रतिशत में चेंज करो, तो कितनी बार जाएगा 23 चौक 92, तो शेष फल कितना बच रहा है 8, तो 8 ऊपर लिख दो। 1/24, 1/24 को प्रतिशत में चेंज किया, तो क्या किया हमने 100% से गुणा किया, कितनी बार जा रहा है 94 96, कितनी बार गया 94 96, शेष फल कितना बच रहा है 4, और नीचे किसका भाग देंगे 24 का, तो कितनी बार 4 का भाग ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6, तो यहाँ पे लिख दो 1/6%। एक बटा 25, तो 1/25 को प्रतिशत में चेंज करो, तो इसका आंसर आएगा 4%। 1/30, 1/30 का प्रतिशत में चेंज करोगे तो क्या आएगा 3 सही 1/3%। 1/40 को प्रतिशत में चेंज करो तो क्या आएगा इसका 2 सही 1/2%। और 1/50 को, 1/50 को प्रतिशत में चेंज करो तो क्या आएगा 2%। अब वापस इनका रिवीजन करते हैं, यहाँ पे देखो कि कोई संख्या भिन्न में थी उसको किस में चेंज कर रहे हैं हम, प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, तो प्रतिशत में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं उसे 100 से गुणा करते हैं और वहाँ पे क्या लगा देते हैं परसेंटेज का चिन्ह। अब यहाँ पे देखो कि जैसे 2 में से 1 क्या कोई संख्या क्या है उसका मान कितना है 2 है और 2 में से 1 लिया गया है, तो वो कोई आपको पूछ रहा है कि कोई वस्तु क्या है 2 है या कोई संख्या 2 है और उसमें से 1 ले लिया गया, अब उसके पास कितना परसेंट ले लिया गया, तो बता देंगे कि क्या आएगा उसका मान 50%। 2 में से 1 का मतलब है 50%। यहाँ पे देखो जैसे 3 में से 1 क्या है
तीन में से एक कितना परसेंट होता है? 33 सही, 1/3। चार में से एक कितने में से? चार में से एक, वो ये संख्या क्या है? चार में से एक है, लेकिन हमें इसे 100 पर देखें, क्या करें इसे 100 पर देखें, प्रतिशत क्या होता है 100 पर देखते हैं, तो 100 पर देखेंगे तो क्या आएगा, वो 100 पर कितनी हो जाएगी? 25। ये चार में से एक है जो 100 पर कितनी होगी? 25। कितनी होगी? 25। यहाँ पे देखो कि ये वो संख्या 5 है, 5 में से एक है, जो नीचे लिखी हुई संख्या होती है उनमें से होती है, या उनमें से या उन पर, उनमें से या उन पर, तो 5 में से कितनी है? एक। अगर ये वस्तु 100 होती, निचली संख्या क्या होती? 100, तब ये कितना होता? 20। कितना होता? 20। तो 100 में से है तो कितना हो जाएगा? 20%। 5 पर है तो एक, और 100 में से है तो कितना है? 20%। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर वो 5 में से एक है तो 100 में से कितनी है? 20। यहाँ पे देखो 6 में से एक है तो 100 में से कितनी है? 16 सही, 2/3। यहाँ पे देखो कि हमें इनको क्या करना है, याद रखना है। अब हमें डायरेक्ट याद रखना है, 1/2 का मतलब कितना है? 50%। 1/3 का मतलब है 33 सही, 1/3। 1/4 का मतलब है 25%। 1/5 का मतलब है 20%। और 1/6 का मतलब है 16 सही, 2/3%। अब यहाँ पे देखो कि 1/7 का मतलब है 14 सही, 2/7%। या कहने का मतलब है कि 7 में से एक है, क्या है? 7 में से एक जो संख्या है वो 100 पर कितनी है? 14 सही, 2/7%। तो हमें इसे याद रखना है कि जो संख्या 1/7 है उसका परसेंट कितना होगा? 14 सही, 2/7। यहाँ पे देखो कि 8 में से एक है, ये याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 8 में से एक है, कितना है? 8 में से एक है, तो यहाँ पे क्या है? 100 में से ये संख्या कितनी हो जाएगी? 12 सही, 1/2, मतलब 12.5%। तो हमें कैसे याद रखना है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। आपको रिवर्स भी याद रखना है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 11 सही, 1/9 का मतलब होता है 1/9। 10% का मतलब होता है 1/10। और 9 सही, 1/11% का मतलब होता है 1/11%। या हम इन्हें रिवर्स याद करें कि 11 में से एक है जो 100 में से कितनी है? 9 सही, 1/11%। जो संख्या 10 में से एक है वो 100 में से कितनी है? यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, वो 100 में से कितनी है? 10। इससे अगला पेज, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा 1/12 का मतलब क्या है? 8 सही, 1/3। और 1/13 का मतलब है 7 सही, 9/13। 1/14 का मतलब 7 सही, 1/7। 1/15 का मतलब है 6 सही, 2/3%। 1/16 का मतलब है 6 सही, 1/4। आपको ये याद करने हैं। इससे अगला 1/17 का मतलब है 5 सही, 15/17। 1/18 का मतलब है 5 सही, 5/9। 1/19 का मतलब है 5 सही, 5/19%। 1/20 का मतलब है 5%। 1/21 का मतलब है 4 सही 16/21%। 1/22 का मतलब है 4 सही, 6/11%। इसी प्रकार जैसे 1/25 का मतलब 4%, 1/30 का मतलब 3 सही, 1/3%, और 1/40 का मतलब है 2.5%, और 1/50 का मतलब है 2%। अब इससे आगे जैसे कोई संख्या आपको दे दे 2/3, इसका प्रतिशत बताओ, तो हमें इनका डायरेक्ट बताना है। तो मैं इस संख्या को इस रूप में लिख दूं, 2 × 1/3, क्या? 2 × 1/3। तो हमें पता है कि 1/3 का कितना परसेंट है, अभी लिखाया था मैंने, तो यहाँ पे है 2 ×
33 सही 1/3% होता है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा करूंगा, तो 2 को पहले 33 से गुणा करो, क्या आएगा 66, और इसको मैं गुणा करूंगा 1 को, तो यहाँ पे आएगा 2/3%। या दूसरा तरीका इसका क्या है, किसी भी इस प्रकार की संख्या, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तो इसको हम इस रूप में तोड़ के लिख सकते हैं, 33 + 1/3। 33 सही 1/3 को किस रूप में लिख सकते हैं, हमें 33 + 1/3। अब मैं इसे क्या करता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ, 2 को 33 से गुणा किया, कितना आया 66 प्लस। अब मैं 2 को किससे गुणा करूँगा, 1/3 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3, कितना आएगा 2/3। अब ये प्लस में, तो इन संख्या को मैं लिख दूंगा 66 सही 2/3। तो इसी प्रकार से मैंने इसको लिखा है। जैसे अगर कोई संख्या इस रूप में है 3/4, कितना 3/4, आपको ये याद रखने हैं। तो 3/4 का मतलब है 3 × 1/4, और 1/4 का परसेंट कितना होता है 25%, कितना होता है 25%। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत आ जाएगा, 75%। हम क्या करें, इस भिन्न को किस रूप में चेंज कर रहे हैं, प्रतिशत के रूप में। 2/3 का प्रतिशत कितना होगा, 66 सही 2/3, यहाँ पे 3/4 का मतलब है 75%। 2/5 को 5 का मान निकालो, तो हमें डायरेक्ट इसको इस रूप में भी निकाल सकते थे हम, जैसे इन दोनों संख्याओं को इस रूप में भी निकाल सकते थे, जैसे 2/3 × 100% और क्या आ गया 66 सही 2/3%। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं निकालना है, हमें इस तरीके से निकालना है, हमारी आदत को इस रूप में बनाना है, क्योंकि इस हर क्वेश्चन को हम इस रूप में नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ी संख्या आ गई, तो हमें इस रूप में याद करना है और उन्हें हमें डायरेक्ट याद करना है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम कुछ किसी कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ पे 10 सेकंड लग रही है, लेकिन हमें उसे डायरेक्ट याद है तो हमें 10 सेकंड भी नहीं लग रही है। तो हमें कोई भी क्वेश्चन करना है, वहाँ पे हमें टाइम बचाना है, तो टाइम बचाएंगे कैसे, उन चीज़ों को, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डायरेक्ट याद करेंगे, पहले चीज़ों को समझेंगे और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही याद करेंगे। अब यहाँ पे चेंज करो, जैसे 2/5 है, तो मैं इसे डायरेक्ट याद रखने, वैसे मेरे को पता है कि 1/5 का कितना परसेंट होता है 20, 2 से गुणा करूँगा कितना आएगा 40%। लेकिन मैं इसे आपको समझाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 × 1/5, तो 2 × 1/5 का कितना मान था 20%, तो यहाँ पे 2 से गुणा करो तो कितना आ गया 40%। अब आप क्या करोगे, इनको मन में ही क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। आपके मन में क्या लेके आओगे, 1/5, ऊपर क्या लेके आओगे 1, नीचे क्या लेके आओगे, जो संख्या है 1/5। तो 1/5 का मान कितना है, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि 20%। 20 को क्या करेंगे हम, 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 40%। 3/5 का मान क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या, 60%। 4/5 आएगा तो आप क्या बता सकते हो इसका मान, 80%। क्यों, हमें पता है कि 1/5 का मान कितना है 20, 20 को 3 से गुणा करूंगा 60, 4 को मैं 20 से गुणा करूंगा 80। इसी प्रकार जैसे 1/2/3/4/5/6, कितना 5/6, इसको क्या करेंगे हम प्रतिशत में चेंज करेंगे, तो आपको इसको किस रूप में लिखोगे, 5 × 1/6, तो 1/6 का मान क्या है, 5 × 16 सही 2/3%। तो आप किस रूप में गुणा करोगे, पहले इस 5 को, इस जो संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इससे गुणा करोगे, फिर इस संख्या को क्या करोगे, जो अंश में बटा में लिखी हुई संख्या है, उसके अंश में लिखी हुई संख्या से गुणा करोगे। तो यहाँ पे गुणा करो, 16 × 80 + यहाँ पे क्या करोगे, 5 को 2 से गुणा किया, कितना आया 10/3।
अब यहाँ पे देखो कि नीचे क्या संख्या है, तीन, ऊपर कितनी संख्या है, दस। तो नीचे जो संख्या लिखी हुई हुई है जो क्या है, अंश से छोटी है, इसका मतलब तीन का भाग दस में जा सकता है। तो पहले दस के अंदर भाग दे लो, कितनी बार गया, तीन बार, और शेषफल कितना बचा, एक। तो एक को किस रूप में लिखेंगे, एक बटा तीन। तो मैं इस संख्या को लिख सकता हूँ 80 + 3 + 1/3। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, जैसे 10 के अंदर मैं क्या किया, तीन का भाग दिया, कितनी बार गया, तीन बार, क्या आ गया, 9। शेषफल कितना आ गया, एक। तो मैं इस संख्या को इस रूप में भी तोड़ लिख सकता हूँ, जैसे शेषफल एक आ गया, एक को ऊपर लिखूंगा, जो भाजक है उसे नीचे लिखूंगा, और इसे हम जोड़कर भी लिख सकते हैं और इन्हें एक साथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 + 1/3, 3 सही 1/3। अब यहाँ पे देखो जो कंप्लीट संख्या उनको जोड़ लो, कितना आया, 83। यहाँ पे क्या है, बिन के अंदर 1/3, तो इनके साथ लिख दो 1/3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 83 सही 1/3%। ये हमें याद रखना है। आपको बोल दे कि 5/6 कोई संख्या है तो उसका परसेंट कितना होगा, 83 सही 1/3%। इसका दूसरा तरीका भी है, जैसे ये संख्या है तो मैं इस संख्या को इस रूप में लिख सकता हूँ क्या, 1 - 1/6 इस रूप में लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे देखो, हल करके देखो, इसके नीचे एक मान लो, इन दोनों का एलसीएम कितना रहा है, 6, ठीक। एक का भाग मैंने 6 में दिया, कितनी बार गया, 6 बार, 6 को 1 से गुणा करो, 6 माइनस 6 का भाग इसमें दिया, सॉरी यहाँ पे, हाँ 6 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया, 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया, कितना है, 1। तो यहाँ पे मान क्या आ गया, 5/6। तो इसका मतलब मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 - 1/6, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो कि एक का प्रतिशत कितना होता है, 100%। एक को प्रतिशत में चेंज करोगे तो क्या बनेगा, उसका 100% बनेगा। माइनस 1/6 का परसेंट बताओ, 16 सही 2/3%, कितना, 16 सही 2/3%। अब आप यहाँ पे देखो, माइनस करना सीखो, यहाँ पे संख्या कितनी है, 16, 16 में एक जोड़ो, कितना आएगा, 17, 17 को किस में घटा दो, 100 में से घटा दो, कितना आ जाएगा, 83, कितना आएगा, 83। अब यहाँ पे देखो, जो अंश में संख्या है उसको हर में से घटा दो, कितना बचा, 1, 1 को ऊपर, जो हर में जो संख्या लिखी हुई है उसको जैसे है उस वैसे के वैसे रूप में उतार दो। यहाँ पे क्या करोगे, जो अंश में रखी हुई संख्या को क्या करोगे, आप में हर में रखी हुई संख्या में से घटाओगे, तो कितना बचा, 1। और यहाँ पे क्या करोगे, जो संख्या है उसमें 1 ऐड करोगे, कितना आया, 17, 17 को क्या करोगे, 100 में से घटाओगे, तो क्या आया आंसर हमारा, 83 सही 1/3। यहाँ पे भी देखो कितना आया, 83 सही 1/3। इससे अगला प्रश्न, जैसे कोई संख्या है 2/7, कितनी है, 2/7। अब इसको बिन के अंदर चेंज करेंगे तो आपने देखा होगा कि 2 × 1/7 है, तो 1/7 का प्रतिशत रूप क्या था, तो लिखो 2 × तो यहाँ पे था 14 सही 2/7 था, कितना था, 14 सही 2/7 था। आपको जो मैंने लिखा है तो उसको एक पेज पे लिख लो, और एक बार जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसको साइड में रख लो, एक बार तो माइंड पर जोर दो कि वो संख्या क्या है, अगर नहीं आती है तो फिर आप पेज में देखो। तो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, हर क्वेश्चन के अंदर ये यूज होगा, तो आपको बार बार देखोगे तो आपको वो याद आ जाएगी, लेकिन आपको उस पन्ने को साइड में रखना है। अब मैं क्या करूँगा, 2 को किससे गुणा करूँगा, 14 से, कितना आया, 28। अब मैं 2 को इसके ऊपर अंश है इससे गुणा करूँगा, क्या आया, 4। देखो अगर यहाँ पे संख्या हर है, हर का मान, अंश का मान हर से छोटा है, तब तक तो हम उस मान को जैसे है वैसे कि वैसे रख देंगे। अगर उसका मान जैसे ही बड़ा होता है हर से, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर भाग देते हैं और जो कंप्लीट संख्या आती है उसको निकाल लेते हैं और उसे कंप्लीट संख्या के अंदर जोड़ देते हैं। जैसे अगला सवाल आएगा,
तो इसका आंसर क्या आ गया, 28 सही 4/7। तो यहां पे देखो इस संख्या को क्या करेंगे, 3 × 1/7 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे आया 3 × 14 सही 2/7%। तो पहले गुणा करो, 14 × 42। अब यहाँ 3 को किससे गुणा करोगे, जो अंश में संख्या उससे, तो कितना आया 6/7। तो अभी भी जो मान है हर से छोटा है अंश का। इसको चेंज करो तो 4 × 1/7। तो यहाँ पे देखोगे कि 1/7 का मान कितना था हमारे पास, 14 सही 2/7%। तो लिखो 4 × 14 सही 2/7%। हम क्या कर रहे हैं, भिन्न को किस में चेंज करें, प्रतिशत के अंदर चेंज करें। तो 4 को गुणा करो, 14 × 56। अब यहाँ पे देखो कि 4 को किससे गुणा करोगे, 2 से, तो कितना आया 8। तो 8/7%। लेकिन आप इस रूप में नहीं लिखोगे कि यहाँ पे देखो कि 8 किससे बढ़ा गया, जो नीचे लिखी हुई संख्या उससे बढ़ा गया। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे लिखी हुई संख्या का भाग इसके अंदर जा सकता है, तो भाग देते हैं। तो 8 के अंदर आप 7 का भाग दोगे तो कितनी बार गया, 1 बार। शेषफल कितना बच गया, 1। तो आप इसे लिख सकते हो 1 सही 1/7। इसे आप लिख सकते हो 1 सही 1/7। और इसे तोड़ कर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 + 1/7। ये संख्या 1 सही 1/7 को हम तोड़ कर कैसे लिखेंगे, 1 + 1/7। अब मैं इसके मान पर यहाँ पे इस प्रकार लिख दूं, जैसे 56 प्लस मैं इस संख्या को तोड़ कर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 8/7। ठीक, ब्रैकेट का चिन्ह लगा दूं क्योंकि परसेंट लगा रखा हूं। यहाँ पे देखो 56 प्लस, अब 8/7 को मैं किस रूप में लिखूंगा, 1 + 1/7 के रूप में, 1 + 1/7। अब देखो कंप्लीट संख्या कौन सी है, 56 × 57। और इसके साथ ये प्लस में है, जो हम साथ लिख सकते हैं, जैसे इसको तोड़ा है, जैसे ये प्लस में है तो इसको हम मिश्र बिन में लिख देते हैं, तो 1/7%। तो यहाँ पे देखो कि इसका मान कितना आ गया, 57 सही 1/7%। इससे आगे 5/7। अब यहाँ पे देखो कि ये मान 5 क्या है, एक बड़ा मान हो गया। 5 को हम गुणा करते हैं, जैसे 5 × 14 सही 2/7। तो यहाँ पे क्या करोगे, 14 × 5 = 70 और ऊपर क्या आ गया, 10/7। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 1 बार गया तो 73 सही 3/7%। लेकिन हम इतना बड़ा गुणा नहीं करेंगे, हम इसे दूसरे रूप में लिखेंगे। इसे इस रूप में लिख दूं मैं, 1 − 2/7। हम एक में से निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 को इसमें से घटा दो, क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। अब देखो कि 1 का परसेंट कितना होता है, 100%। और जैसे 2/7 था तो इसे लिखेंगे हमें 2 गुणा, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसका मेरे मान याद है 28 सही 1%। का जिन बाहर लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2/, और यहाँ पे आएगा 4/7। तो यहाँ पे बाकी किस प्रकार निकालेंगे, 28 को 100 में से निकालेंगे, तो 28 को नहीं निकालेंगे, 28 में एक जोड़ो कितना आया, 29। 29 को 100 में से निकालो कितना आया, 71। अब क्या करेंगे, जो अंश में जो संख्या रखी हुई है उसको क्या करेंगे, हर में रखी संख्या में से घटाएंगे, और कितना आया, 3। वहाँ पे अंश की स्थान पे क्या लिखेंगे, 3। नीचे क्या लिखेंगे, 7 का 7 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 71 सही 3/7।
और यहाँ पे भी क्या है गेत्र सही 3/7, जो आपको सुविधा लगे कि मेरे को इस रूप से सवाल करना है आप उस तरीके से हल कर सकते हो। अगला 6/7, अब मैं इसे इस रूप में करूँगा 1 माइनस, यहाँ पे लिखूँगा 1/7, तो मैं यहाँ पे देखो 100% माइनस इसका है 14 सही 2/7, तो यहाँ पे कितनी संख्या है कंप्लीट 14, 14 में एक जोड़ो कितना आया 15, 15 को क्या करोगे 100 में से घटाओ कितना आया 85। अब यहाँ पे कितना है 2, 2 को क्या करेंगे 7 में से घटाएंगे कितना आया 5, तो 5 को ऊपर लिख दो और 7 नीचे लिख दो, तो इसका आंसर क्या आ गया 85 सही 5/7%। इससे अगला 3/8, इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो इसे लिखेंगे 3 × 1/8, और आपको पता होगा 1/8 का परसेंट कितना होता है 12.5%, तो यहाँ पे लिख दो 3 × 12 सही 1/2%। अब 3 को आप 12 से गुणा करोगे कितना आएगा 36, और 1 को जो ऊपर लिखी हुई संख्या उससे गुणा करोगे कितना आएगा 3, तो यहाँ पे आ गया 3/2%। लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो ऊपर रखी हुई संख्या निचली जो संख्या उससे बड़ी है, तो इसका मतलब इसमें भाग जाएगा कितनी बार जा रहा है 1 बार, और शेषफल कितना बचेगा 1, तो मैं इसे अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 बार जाएगा तो 1 को मैं 36 में जोड़ दूँ कितना आएगा 37, शेषफल कितना बच रहा था 1, 1 को ऊपर लिख देता हूँ, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 37.5% या 37 सही 1/2%। इससे अगला है 5/8, तो इसे लिखेंगे 5 × 1/8, तो इसे क्या करोगे 5 × 12 सही 1/2%, तो 5 से गुणा करो कितना है 60, और 5/2%, तो 5 का भाग 5 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 2 बार जा रहा है, शेषफल कितना बच रहा है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 62 सही 1/2%। इससे अगला मान हमारा 7/8, कितना 7/8, तो इसे लिखोगे या तो लिख दो 1 − 7/8, कितना 1 − 7/8, तो यहाँ पे आएगा 100 − यहाँ पे 7 था 1 आएगा 1, 1 − 1/8, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/8 का मान कितना है 12 सही 1/2। अब यहाँ पे संख्या कितनी है 12, जो भिन्न के रूप में संख्या है मिश्रित भिन्न के रूप में संख्या है उसमें से जो पूर्ण संख्या वो कितनी है 12, इसमें 1 जोड़ो कितना आ गया 13, तो 13 को बाकी निकालो कितना आएगा 87, अब 1 को 2 में से निकालेंगे कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1/2। आपको ये तीनों रिजल्ट याद रखने हैं, इससे पहले वाला रिजल्ट कौन सा था 3/8 का रिजल्ट क्या था 37 सही 1/2, और 5/8 का रिजल्ट क्या था 62 सही 1/2, और 7/8 का रिजल्ट क्या है 37 सही 1/8। ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा। इससे आगे 2/9, तो इस संख्या को लिखेंगे 2 × 1/9, तो 2 × 1/9 का परसेंट बताओ, तो इसका मान होता है 11 सही 1/9%। अब गुणा करो 2 से तो कितना आया 22, और 1 से गुणा किया तो 2/9, तो इसका आंसर कितना आ गया 22 सही 2/9%। ऐसे 3 का 3 तो कट जाता है इसे, जैसे यहाँ पे क्या है कोई संख्या इस प्रकार लिख दिया हमने 3/9, तो आप सर सोच रहे होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों नहीं बता रही, तो आप देखोगे 3 का भाग ऊपर नीचे जा रहा है कितना आ रहा है 1/3,
तो 1/3 का तो हमें रिजल्ट पहले निकाल लिया। तो इस प्रकार के सवाल है जो ऊपर नीचे कट रहे हैं उनको हम नहीं ले रहे हैं, हम वो संख्या ले रहे हैं जो सहभाज्य संख्या हो, जो जिनका एचसीएफ कितना हो, 1। यहाँ पे क्या आएगा, 4/5, 4/9। तो इसको डायरेक्ट बताओ, इसको देखकर कितना आएगा, 44 सही, 4/9%, 5/9 का तो इसका आएगा 55 सही, 5/9%, और 7/9 का 77 सही, 5/9%, और 8/9 का 88 सही, 8/9%। तो यहाँ पे 2 से गुणा किया तो वहाँ पे 11 था, तो 22 सही 2/9, 4 से किया तो 44 सही 4/9, 5 से गुणा किया तो 55 सही 5/9, 7 से किया तो 77 सही 5, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे 7 आएगा। इससे अगला, जैसे 11 के लिए ले लो, क्योंकि 10 के अंदर जो भी संख्या लिखेंगे, जैसे 10 के लिए भी ले लो, 3/10 है, तो इस संख्या को क्या लिखोगे, 3×1/10, तो इसका मान क्या आएगा, 3×10%, तो बराबर कितना आ गया, 30%। तो इस प्रकार कोई संख्या नीचे 10 है और ऊपर 3 है तो उसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कितना, 30%। जैसे 4/10 है तो इसको लिख दो 40%, जैसे 7/10 है तो इसका मतलब हो गया 70%। तो इस प्रकार की संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हो। अब इससे आगे, जैसे कोई संख्या कंप्लीट संख्या है, जैसे 1 है, 1 को हम प्रतिशत में बदलें तो कैसे बदलेंगे, पहले इस संख्या को क्या करोगे, भिन्न में बदलो। तो मैं इस संख्या के अंदर मैं क्या करता हूँ, 1 का भाग देता हूँ, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो कि 1 के अंदर 1 का भाग दे रहा हूँ, ठीक, तो उसका मान कितना आएगा, 1। अब किसी भिन्न को मैं प्रतिशत में, ये संख्या क्या बन गई, एक भिन्न बन गई, तो किसी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं, कोई भिन्न है तो हम उसे क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। तो 1 के अंदर 1 का भाग दिया कितना है, 1×100%। अब 1 से गुणा करो कितना आया, 100%। इसका मतलब है कि 1 का मान कितना है, 100%। तो 2 का मान कितना होगा, 200%। मतलब कोई संख्या 2 है उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 200%। 3 का 300%, 4 का 400%, 5 का 500%। तो जो मैंने आज ये भिन्न के प्रतिशत के अंदर चेंज किया, ये आपको क्या करना है, याद करके आना है, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।